हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने तेल के साथ कोलगेट को यूज किया है? क्यों करना है, इसका क्या फायदा होने वाला है, वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और भी छोटे छोटे से टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपको काफी हेल्पफुल लगने वाले हैं। बहुत ही अच्छी सी वीडियो होने वाली है, बने रहिएगा आप वीडियो में। तो यहाँ पर मेरी जो सबसे पहली आज टिप्स होने वाली है वो होने वाली है साबुन को लेकर। अभी तो बरसात लग चुकी है और बरसात में जैसे ही पानी वगैरह पड़ना शुरू होता है, मौसम मतलब कि ठंडा रहता है बरसात वाला, तो साबुन में नमी आ जाती है, अपने आप ही गल जाता है। जहां पे भी हम इसे रखते हैं अपने आप ही गला गला रहता है, क्योंकि इसमें नमी रहती है और नीचे से इसमें हवा वगैरह भी नहीं जाती है। तो आपने करना क्या, जिस चीज में भी आप साबुन को धर रहे हैं, कोई डिब्बा हो या फिर इस तरीके से साबुनदानी हो, तो आपको उसके ऊपर ना दो रबड़ लगानी है। देखिए इस तरीके से, चाहे रबड़ नहीं है तो आपके पास आप मतलब कोई कपड़ा वगैरह भी बांध सकते हैं। यानी कि आपको करना ये है कि दो रबड़ आपने इसके ऊपर लगा देनी है। ये देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अब आपको करना क्या है, इसमें लगाना होगा आपको, इसमें रखना है आपको साबुन। तो जब आप इस पर साबुन रखेंगे तो बिल्कुल भी जो साबुन है ना गलेगा नहीं आपका, वो साबुन ऊपर की तरफ रहेगा और नीचे से इसमें एयर लगती रहेगी, पानी भी नीचे से गिर जाएगा यानी कि पानी निकल जाएगा, तो आपके साबुन में बिल्कुल भी नीचे से नमी नहीं रहेगी, वो सूखा रहेगा और गलेगा भी नहीं। नेक्स्ट आइडिया है झाड़ू को लेकर। आपने नोट किया होगा कि जब भी हम अपने घरों में झाड़ू लगाते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जाती है, वो क्या होता है, उसमें ना बाल बहुत ज्यादा फंसते हैं, है ना। अब बाल फंसते हैं तो हमें हाथ से निकालने पड़ते हैं, जब हाथ से हम निकालते हैं तो हमें बहुत ज्यादा घिन होती है। तो आप कोई एक परमानेंट पुरानी कंघी रख लीजिएगा। देखिए झाड़ू लगाने के बाद या फिर झाड़ू लगाते समय भी आप कंघी से इस तरीके से बालों को निकाल सकती हैं। आपको मैं दिखा दे रही हूँ, देखिए मैंने घर में झाड़ू लगाई थी और कितने बाल आए हैं, क्योंकि बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं लेडीजों के, और जैसे मानसून बदलता है उस टाइम पे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, किचन तक पहुंच जाते हैं, यहाँ की कभी कभी खाने तक पहुंच जाते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहिए, झाड़ू को भी क्लीन करना चाहिए। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको दिखा भी पा रही हूँ कितने बाल इस झाड़ू के अंदर से निकल रहे हैं, और ये मैंने वैसे ही बाल नहीं रखे हैं इसमें, मैं भी झाड़ू लगा के आई थी और झाड़ू लगाने के बाद ही मैंने आपको इसका रिजल्ट दिखाया। देखिए कितने बाल झड़ रहे हैं, और लंबे बाल होते हैं तो और ज्यादा झाड़ू के अंदर फंस जाते हैं। तो समय समय पर आप अपनी झाड़ू को क्लीन करते रहिएगा, आपके घर में भी इधर उधर बाल नहीं फैलेंगे और आपकी झाड़ू भी क्लीन रहेगी। ये देखिए कितने सारे बाल इस कंघी के द्वारा मैंने निकाल दिए झाड़ू के अंदर से। वरना क्या होता है ना, या तो इसी झाड़ू में रखे रहते ये लगे रहते, या फिर मेरे को हाथ से निकालने पड़ते। तो कंघी का इस्तेमाल कीजिए, आपको हाथ भी गंदे नहीं करने पड़ेंगे अपने, और आप इजीली अपनी झाड़ू को भी क्लीन कर पाएंगी। तो आशा करती हूँ ये ट्रिक आपको यूजफुल लगी होगी। देखते हैं नेक्स्ट टिप। यहाँ पर मेरी कुकर की रबर टूट गई थी और अभी मेरे पास ना तो बाजार जाने का टाइम था और ना ही मेरे अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी दुकान थी जहां से मैं कुकर की रबड़ खरीद लूं, और मुझे दाल भी बनानी थी। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। फिर मेरे को आइडिया आया कि चलो इसे ही जोड़ के देखते हैं आज, और बना के देखते हैं दाल कि इसे जोड़ने के बाद दाल बनती है नहीं बनती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीनी ली हुई है। अब देखिए मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से आपको जोड़ के दिखाऊंगी। आप घर में रखी हुई चीजों से ही रबड़ को जोड़ पाएंगे और यकीन मानिए बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। फिर जैसे ही आपको टाइम मिले आप नई रबड़ खरीद लीजिएगा, लेकिन इमरजेंसी में आप इसे फॉलो कर सकती हैं। आपको चीनी लेनी है और चीनी को ना पीस लेना एकदम महीन, चाहे तो आप सिलबट्टे में पीस लीजिए, इमाम जिस्ते में पीस लीजिए, या फिर मिक्सी में पीस लीजिए, वो आपकी मर्जी। बस पीसी हुई चीनी आपने लेनी है। अब हमें चाहिए होगा यहाँ पर फेविक्विक। तो फेविक्विक तो ऐसी चीज होती है किराना की दुकान पर ना 5 रुपए में इजिली मिल जाती है, आप 5 रुपए में इसे खरीद लीजिए। मेरे पास तो बड़ी वाली है ये, क्योंकि मुझे बनानी पड़ती है वीडियो, तो मैंने ये बड़ी वाली एक ही बार खरीद के रखी हुई है। अब मैंने ये बड़ी वाली शीशी मंगा के रखी हुई है, कौन इसे मतलब कि बार बार खरीदेगा, तो एक ही बार मैंने बड़ी शीशी मंगा के रख ली, मुझे काम पड़ती है जब भी मैं इसे यूज कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी फेविक्विक लगाई है तो ये चिपक गई है। अभी चिपक तो गई है फ्रेंड, लेकिन ये मतलब उतर सकती है, हट सकती है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इसका। इसको अगर आपको परमानेंट करना है तो आपको लेनी है पीसी हुई चीनी, और पीसी हुई चीनी जब आप इस पे लगाएंगे ना इतनी मजबूत हो जाएगी पत्थर की तरह एकदम, बिल्कुल भी यहां से नहीं टूटेगी ये। तो यहाँ पर मैं इस पे थोड़ी सी चीनी डाल दी हूँ जहां पर मैंने फेविक्विक लगाई थी,
थोड़ा अच्छे से डालेंगे ताकि अच्छे से इसमें चिपक जाए, क्योंकि हमें जो इसकी दरार होती है ना, जो गैप होता है वो भरना होता है, मेन पॉइंट होता है इसकी दरार को भरना। तो हम फेविक्विक कितनी भी लगा ले, इससे दरार तो भरती नहीं है, भले से चिपक जाती है थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन हट जाती है। फिर जब आप इस पे चीनी डालेंगे, यहाँ तक कि आप बहुत अच्छे से इसे जोड़ पाएंगे, देखिए मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ। जब आपने चीनी डाल देनी है ऊपर, फेविक्विक की एक दो ड्रॉप आप ऊपर से डाल दीजिए इसे, और ये मतलब कि इतना फिक्स हो जाएगा कि आप खुद से तोड़ोगे भी ना तब भी ये टूटने वाला नहीं है। ट्राई करके देख सकते हैं, अगर आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए कभी तो ये बहुत ही काम आने वाली ट्रिक है। ये हाथ पे चिपक जाती है थोड़ी सी फेविक्विक, थोड़ा ध्यान से आप चिपकाइएगा इसे, और अगर चिपक भी जाती है हाथ पे तो आप गुनगुना पानी लीजिएगा और थोड़ी सी नमक लीजिएगा, गुनगुने पानी में भिगो के हाथ को, फिर ऊपर से नमक डाल के आप थोड़ा सा रगड़ दीजिएगा, तो जो फेविक्विक होगी आपके हाथ पे लगी हुई वो आराम से छूट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जोड़ ली है, अब इसे थोड़ा सा रख देती हूँ मैं 2 मिनट के लिए सूखने के लिए, ताकि अच्छे से सूख जाए। तो वैसे तो पत्थर जैसी हो चुकी थी फ्रेंड ये देखिए, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ दी थी थोड़ी सी देर के लिए ताकि और अच्छे से सूख जाए। अब बिल्कुल सूख चुकी है, एकदम पत्थर जैसी हो गई है। अब मैं आपको दिखाती भी हूँ कि हाँ ये टूटती है या नहीं टूटती है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ वैसे ही है, मतलब टूट जाएगी, फिर तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। आप इसे कितना भी खींचेंगे, कितनी भी पावर से आप इसे खींच लीजिए, ये रबड़ यहाँ से तो बिल्कुल नहीं टूटने वाली जहां से हमने जोड़ी है। बहुत अच्छी सी ट्रिक है। और हाँ देखिए, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, फिर आप मार्केट से टाइम मिलते ही न्यू रबड़ खरीद के रख लीजिएगा कुकर में लगाने के लिए, बट इसे आप टेम्परेरी कर सकते हैं, जैसे मतलब कि आपको इमरजेंसी में यूज करना है तब आप इसे यूज कर सकते हैं। बाकी आप नई रबड़ लाइए फ्रेंड और कुकर में लगा के अपने रखिए और आराम से खाना बनाइएगा। तो आशा करती हूँ ये वाली ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं बर्तन में जो या तो हमारी कढ़ाई जल जाती है, या फिर ऐसा होता है कि मतलब कि हम कुछ ऐसी चीज बनाते हैं जो बहुत ज्यादा स्मेल खींचती है, लहसुन प्याज की बदबू आती है, और कुछ लोग तो नॉन वेज भी खाते हैं, तो मीट मछली जो लोग खाते हैं उनके भी ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम आने वाली है। या फिर ज्यादा ऑयली बर्तन है आपका, चिकनाई से भरा हुआ है, तब भी आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्का सा कोलगेट। ये कोलगेट होता है ना, बड़े कमाल की चीज होता है फ्रेंड, बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग करता है दांतों की भी और चीजों की भी। तो आप इस तरीके से क्लीन करके देखिएगा बर्तन को, आपका बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं कटे हुए नींबू, और इन नींबू को मैं इसमें यूज करने वाली हूँ, और मैंने थोड़ा सा डाला है यहाँ पे सरफ। अगर ज्यादा आपका बर्तन जला भुना है, ज्यादा चिकनाई है, तो आप सरफ का यूज कीजिएगा। देखिए बहुत अच्छे से आपका बर्तन क्लीन हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप विम बार से धो रहे हैं तो उससे भी साफ हो जाएगा, लेकिन जो सरफ होता है ना, सरफ से बहुत अच्छे से क्लीन होता है। जब भी मेरा कोई ऐसा बर्तन होता है ज्यादा जला हुआ, या फिर जिसमें मैं लहसुन प्याज की सब्जी बना लेती हूँ, जैसे कढ़ी वगैरह हुई या कोई ऐसी चीज हुई जिसमें प्याज ज्यादा डलती है तो स्मेल आती है, तो मैं इस ट्रिक का यूज करती हूँ। ये जो कोलगेट होता है ना, ये भी बहुत अच्छे से हमारे बर्तन को क्लीन करता है, और जो नींबू होता है इसमें से बदबू को एकदम रिमूव कर देता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर धो के लाके भी दिखा दी हूँ, हमारी कढ़ाई एकदम चकाचक क्लीन हो चुकी है, अंदर की तरफ से भी और बाहर की तरफ से भी। हमारा बर्तन भी क्लीन रहेगा और इसमें से कोई बदबू वगैरह भी नहीं आएगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो फिर मिलूंगी फ्रेंड ऐसी एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। और देखिए यहाँ से बैक साइड से भी बहुत अच्छे से ये कढ़ाई क्लीन है हमारी, तो आज्ञा दीजिए फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।